देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत के नेतृत्व में बड़वानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर बड़वानी पुलिस की गिरफ्त में। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़वानी पुलिस की हाईवे पर पंजाब के चार लोगों की गैंग पर अवैध रूप से रखे 10 आर्म्स और 120 ग्राम ब्राउन शुगर ड्रग्स पर की गई जब्ती की बड़ी कार्रवाई। पंजाब की गैंग एबी रोड हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को अवैध रूप से ब्राउन शुगर 3000 से 4000 प्रति ग्राम में बेचता था। पंजाब के अमृतसर के चंदन के की गैंग 10 दिन पहले ही ड्रग्स का शुरू किया कारोबार बड़वानी पुलिस के हत्थे चढ़ा। मादक पदार्थ और अवैध हथियार खरीदने के लिए आरोपी ने पेटीएम से 3 लाख का लिया था लोन। पूरा परिवार अवैध रूप से ड्रग्स के साथ साथ अवैध हथियार का हाईवे पर करता था सौदा। थाना नागलवाड़ी पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से सिरकी 120 ग्राम ब्राउन शुगर ड्रग्स जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 4,80,000 और लगभग 1,56,000 के अवैध पिस्टल कारतूस और देसी कट्टे जब्त किए। आरोपी गढ़ अपनी यूनाडाई वरना कार व मोटरसाइकिल से हाईवे पर करते थे अवैध मादक पदार्थ व हथियारों का कारोबार। सभी चार आरोपी से कुल मशरू का 12,69,000 रुपए का जब्त किया गया। बता दे थाना प्रभारी नागलवाड़ी ओनी विजय रावत, थाना प्रभारी जुलवानिया आर के लोवंशी, चौकी प्रभारी औझर ओनी लखन सिंह बघेल, चौकी प्रभारी बाल समूद सोनी, जीवन चंदौरे प्र आर 49, संदीप परमार प्र आर 369, चालक प्रेम सिंह बघेल आर 544, जालम सिंह आर 259, भूरे सिंह म प्र मध्य प्रदेश आर 68, सावित्री आर 427, विपुल रावत आर 436, दिलीप आर 612, प्रवीण यादव आर 164, संदीप पाटीदार आर 616, सुमेर सिंह जामोद, सोनी आशीष शर्मा आर 22, अरविंद्र म से 130, अवंतिका से 44, रमजान खान का सराहनीय योगदान। एसपी श्री पुनीत गहलोत ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जैसा कि आपको विदित है, आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए समस्त मादक पदार्थ एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए बड़वानी पुलिस द्वारा लगातार सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल मुखबिर से सूचना थाना नागलवाड़ी को प्राप्त हुई थी कि हुंडई कार में 2 से 3 लोग अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर का विक्रय करने के लिए एक ढाबे के पास में आने वाले हैं। उक्त सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी बड़वानी मानसिंह ठाकुर को निर्देशित किया गया था, जिन्होंने एसडीओपी सेंधवा श्री कमल चौहान के नेतृत्व में एक टीम थाना नागलवाड़ी की बनाई थी। उक्त टीम ने थाना प्रभारी नागलवाड़ी और चौकी प्रभारी ओझर और बाल समूद को साथ में लेते हुए मुखबिर द्वारा बताई सूचना के आधार पर कार की घेराबंदी की। कार में 3 लोग पाए गए, जिनसे पुलिस ने जब तलाशी ली तो उनसे कुल 120 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख है। तीनों व्यक्तियों में जसवंत सिंह और उनकी पत्नी राजविंदर कौर और उनका बेटा अर्शदीप सिंह, तीनों मूलतः पंजाब के निवासी हैं और तीनों आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में उक्त ब्राउन शुगर को पंजाब से खरीद कर यहाँ लाना और बड़वानी में हाईवे के नज़दीक जितने भी ढाबे हैं उनमें प्राइमरीली मुख्य तौर पर ट्रक ड्राइवर्स को उक्त ब्राउन शुगर प्रति ग्राम 4000 रुपये के हिसाब से बेचना बतलाया है। इसके साथ ही और ज़्यादा फर्दर पूछताछ करने पर इनका एक और बेटा हरसिमरनदीप सिंह के बारे में भी जानकारी मिली और इसे भी नागलवाड़ी पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है, जिससे 10 फायर आर्म्स पुलिस ने जब्त किए हैं। ओवरऑल पूछताछ करने पर इस पूरी गैंग के द्वारा जो प्राथमिक बातें पुलिस को बतलाई गई है उसमें इनके द्वारा ब्राउन शुगर को पंजाब से खरीदकर बड़वानी में बेचना और बड़वानी से फायर आर्म्स को सस्ते दामों पर खरीदकर पंजाब में और अन्य जगहों पर बेचना बतलाया गया है। उक्त चारों लोगों के विरुद्ध NDPS और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण नागलवाड़ी थाने पर दर्ज किए गए हैं। इसमें जो मुख्य सरगना है जसवंत सिंह, उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है और फर्दर पूछताछ की जा रही है, जिसमें पुलिस का मुख्य जोर विशेष तौर पर जो ब्राउन शुगर है उसके विक्रय में यदि और कोई लिंक यहाँ पर लोकल स्तर पर आती है जो इनका सहयोग करता था उसके बारे में पड़ताल की जाएगी। यदि ऐसे कोई नाम आते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
जो इनके द्वारा पूछताछ में बतलाया गया है वो 15 से 20 दिनों से इन लोगों का एक्टिव होना आ, 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 पता चला है। लेकिन इसके साथ ही इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी पंजाब पुलिस से हम पता कर रहे हैं और पुलिस रिमांड वाली अवधि में और फर्दर इनसे पूछताछ जो की जाएगी उसके आधार पर एग्जैक्ट स्थिति क्लियर हो पाएगी। देखिए अभी जो इनके द्वारा बताया गया है कि हाईवे पर जितने ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको ये सीधे अपना ग्राहक बनाते थे, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कुछ और भी एजेंट इन्होंने ब्राउन शुगर के विक्रय के लिए बनाए होंगे, जो फर्दर पूछताछ अभी पुलिस करेगी। कार के दस्तावेज और आरटीओ से जानकारी अभी मंगवाई जा रही है, उसके आधार पर वाहन स्वामी का भी पता लगाया।